एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगेन होने वाला है एक मीशो हॉल। एंड आज मैं आपके साथ मीशो शेयर करने वाली हूँ साड़ी जिनके कोड आपने मुझे दिए थे, लहंगा, ज्वेलरी, कुर्तीज। तो यार आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। एंड ये जो कुर्ता मैंने पहना हुआ है ये मैंने कल वाली वीडियो में, नहीं उससे एक दिन पहले वाली वीडियो में, कल तो मेरी वीडियो ही नहीं आई, उससे एक दिन पहले वाली वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ है। ब्रांड फैशर से है ये। और अगर आप इसका फुल लुक चाहते हैं मैं साइड में आपको क्लिप दे दूंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल सा अफोर्डेबल प्राइस में कुर्ता है, बिल्कुल भी मिस मत करना इस कुर्ते को। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। और वो वाली वीडियो एक बार जरूर से चेकआउट भी कर लेना, बिकॉज इसी वीडियो में मैंने इस मंथ का गिव अवे अनाउंस किया है जिसके प्राइस है 5000। तो बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आपसे रह रही हो तो जल्दी से जाके पार्टिसिपेट कीजिए। एंड अगर अभी तक आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए मेरे दिए हुए लिंक से, जिससे आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पे फ्लैट 30% और 100 rupees का ऑफ देखने को मिलेगा। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप मीशो डाउनलोड कर सकते हैं। मीशो के बारे में वैसे सभी को सब कुछ पता है अब, लेकिन अगर जिन्हें नहीं पता है तो मीशो पे लिंक्स नहीं होते हैं, कोड्स होते हैं। तो जितने भी आउटफिट है सभी कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो उन कोड से आप परचेज कर सकते हैं। और आज का वीडियो भी होने वाला है रीसेलिंग वीडियो। जितने भी आउटफिट है सभी रीसेलिंग में है। और अगर आप इन्हें परचेज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पर जाके मुझे फॉलो करना है। मीशो प्राइस एंड रीसेलिंग प्राइस में साथ के साथ यहाँ पे मेंशन करती जाऊंगी हर प्रोडक्ट की। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पर जाके मुझे मैसेज करना है, पर जल्दी करना, बहुत ही जल्दी सोल्ड आउट हो जाते हैं क्योंकि ये मीशो से भी कम प्राइस में है तो ऑब्वियसली। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो फटाफट से कॉन्टैक्ट करना। और चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही खूबसूरत सी रेड कलर में मैंने साड़ी पिक की है। एंड गाइस इसका कोड मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम पे दिया था। मुझे साड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, इसमें वो कलर ऑप्शन काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में साड़ी है। तो मैंने ये वाला रेड कलर लिया, इसमें आपको ब्लैक वगैरह या बहुत सारे कलर है, लेकिन ये मुझे मैरून, रेड नहीं मैरून में है थोड़ा ये शेड में, तो ये कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो उस अकॉर्डिंग मैंने ये परचेज किया। आप ये बोल सकते हो कि अभी क्या है जो मिरर वर्क का जो काम है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है, लुक एट दिस। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ये वाला पोर्शन बताती हूँ। ये है जो आप अंदर की साइड ड्रैप करते हैं, बस इतना सा पोर्शन आपको प्लेन मिल जाएगा। फिर यहाँ से जो है साड़ी स्टार्ट हो जाती है, इसमें आपको नीचे पूरी साड़ी प्लेन है सिल्क में, टैफेटा सिल्क में आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो इसका नीचे का बॉर्डर है ये काफ़ी अच्छा है, ये आपको कट वर्क में देखने को मिल जाएगा। प्लस पूरे पे एम्ब्रॉयडरी की गई है और मिरर्स लगाए हुए हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और ऐसा नहीं है मिरर्स है ना बिल्कुल हट रहे हैं, बहुत ही अच्छे से स्टिक किए हुए हैं जिससे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। एम्ब्रॉयडरी काफ़ी अच्छी की गई है इसके ऊपर। एंड कुछ इस तरीके का आपको बहुत ही ब्रॉड सा बॉर्डर देखने को मिल जाएगा। जब आप पहनते हैं इस तरीके की साड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट भी लगती है, प्लस बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आता है। तो पूरी साड़ी का आप कलर देख सकते हैं, लुक देख सकते हैं कितना प्यारा है। पूरी साड़ी ऐसी की ऐसी आपको 5.5 meter की पूरी आपको साड़ी देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छी लगी यार मुझे ये वाली साड़ी। एंड आंचल पे आपको पूरा इस तरीके का काम देखने को मिल जाएगा, लुक एट दिस। ऐसा नहीं है आंचल पे यहाँ पे बॉर्डर है, बस ये जो बॉर्डर है ना मिरर वाला ये आपको बस नीचे नीचे वाली साइड मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, काफ़ी अट्रैक्टिव सी है ये साड़ी। प्लस ऐसी साड़ी है कि आप इसे कैसे भी फंक्शन में कैरी कर सकते हैं, लाइट वेट है और ये बॉर्डर का काम है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो मिरर्स वाला जो काम होता है ना वही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पूरी 5.5 meter की आपको ये टैफेटा सिल्क में साड़ी देखने को मिल जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ इसका ब्लाउज, इसका ब्लाउज का कलर कॉम्बिनेशन इन्होंने काफ़ी अच्छा दिया है, जो मैरून और रेड के साथ है ये वाइट का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्लस यार ये साड़ी मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल लगी। तो इस तरीके का आपको इसमें ब्लाउज देखने को मिल जाएगा, लुक एट दिस। और ये इन्होंने फ्रंट के लिए दिया हुआ है। एंड पूरा फैब्रिक आपको इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, बैक साइड बिल्कुल प्लेन मिलेगा। इतना फैब्रिक इन्होंने दिया हुआ है कि 90 cm 1 meter के आसपास पूरा फैब्रिक है। तो अगर आप एक्सल डबल एक्सल साइज में भी है तो भी आपके आराम से आ जाएगा। और आप ब्लाउज देख सकते हैं फ्रंट इन्होंने इतना हैवी दिया है फुल मिरर्स का। और ये जो मिरर है ना ये रियल मिरर है सारे, ऐसा नहीं है फॉइल मिरर है, बिल्कुल रियल मिरर है। तो आपको इस तरीके का ब्लाउज देखने को मिल जाएगा। जब आप इस ब्लाउज को स्टिच करवाएंगे उसके बाद इस साड़ी का लुक काफी ज्यादा अच्छा आने वाला है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, प्राइस के अकॉर्डिंग मीशो पे ये वाला प्रोडक्ट वर्थ इट है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये भी है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी। एंड इसका कोड भी मुझे आप लोगों ने ही दिया था, मैंने इसकी पिक्चर बहुत सारे इंस्टाग्राम पेज पे देखी थी और यार इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी ये, ऐसा लग रहा था यार समर्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल कलर्स वगैरह बिल्कुल साड़ी एप्रोप्रिएट है। प्लस इसमें इतने
पचरंगी कलर्स मिक्स किए हुए हैं, तो उस अकॉर्डिंग यार मैंने सोचा बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है। एंड ये जब मिली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, नॉर्मल पैकेजिंग में ही मिली है, जैसे पैकेट में कोई जिप कवर वगैरह नहीं आया है, तो इस तरीके की पॉलिथीन में ही मिली है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसका ब्लाउज। इसका ब्लाउज आपको बिल्कुल सिंपल प्लेन देखने को मिल जाएगा, पिंक कलर का इन्होंने ब्लाउज दिया है, बिल्कुल प्लेन है। 1 मीटर का आपको ब्लाउज का फैब्रिक देखने को मिल जाएगा या फिर 90 सेंटीमीटर, तो ये आपके एक्सल डबल एक्सल साइज में आराम से आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस ब्लाउज को स्टिच नहीं करवाना है, तो आपके किसी भी डिजाइनर ब्लाउज के साथ इसे पेयर अप कर सकते हैं। इसमें मल्टी कलर है, तो कोई से भी कलर का ब्लाउज चल जाएगा। साड़ी बिल्कुल प्लेन है, तो ब्लाउज आप हैवी रख सकते हैं। तो इस तरीके का फैब्रिक तो ब्लाउज का देखने को मिल जाएगा। अब जो साड़ी है ना, पूरी एक तो लाइट वेट है, क्योंकि ऑरेंज सिल्क एक तो लाइट वेट होता है, समर्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट होता है, तो इसमें आपको मल्टी कलर देखने को मिल जाएंगे। ये साड़ी है बिल्कुल प्लेन, लेकिन इस तरीके की साड़ियाँ जब आप सिल्वर ज्वेलरी के साथ कैरी करते हो, या फिर कैसे भी नॉर्मल में भी कैरी कर लो, कैजुअल में, फंक्शन में, पचरंगी साड़ियों का क्या होता है, कभी भी तो फैशन आउट नहीं होता है। दूसरी चीज़ की हर फंक्शन में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी भी डे में पहन सकते हो, बहुत अच्छी लगती है, एक खिलता हुआ सा लुक आता है, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी फ्रेश फ्रेश फील होता है समर्स में, तो उस अकॉर्डिंग बेस्ट है ये वाली साड़ी। एंड ये ऑरेंज सिल्क फैब्रिक में लुक के एड्रेस आप देख सकते हो ना, कितना शाइन कर रही है, फुल लुक आपको पूरा साइड में क्लियर हो जाएगा। और ऑरेंज सिल्क फैब्रिक होता है जो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट फैब्रिक होता है, और इस तरीके का इसमें आप मतलब मल्टी कलर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। लुक एट दिस, पूरी 5.5 मीटर की साड़ी है, बिल्कुल लाइट वेट है, गर्ल्स के अकॉर्डिंग भी ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, प्लस अफोर्डेबल प्राइस में 5.5 मीटर की आपको ये वाली साड़ी मिल जाएगी। तो डेफिनेटली आप इसे भी चूज कर सकते हो। अभी ये वाली साड़ी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, एंड लुकिंग वाइज सुपर्ब है, पहनने के बाद इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये है जो नेक्स्ट साड़ी मैं आपकी डिमांड पर लेके आई हूँ। अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है एक लहंगा, एंड इस तरीके की पैकेजिंग में मिलेगा। और ये मुझे है ना बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि दी कुछ ऐसे लहंगा शेयर करो जो कि अफोर्डेबल प्राइस में होने के साथ साथ लाइट कलर में हो। तो मुझे ये वाला लहंगा मीशो पे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, और पैकेजिंग आप देख सकते हो जिप कवर में मिलेगा, जो है ना आपको व्हाइट कलर में नहीं मिलेगा, बीच कलर में मिलेगा। लुक एट दिस, फुल एम्ब्रॉयडर्ड लहंगा है, बीच कलर का आपको ये वाला लहंगा देखने को मिल जाएगा। इसका जो फैब्रिक है ना वो टैफेटा सिल्क फैब्रिक है, और साइड में आप फुल लुक देख लेना, जैसा कि जैसा दिया था वैसा कि वैसा लहंगा मुझे रिसीव हुआ है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेस्ट से। इस तरीके की आपको वेस्ट मिलेगी जो है अप टू 42, जो कि आपके एक्सल डबल एक्सल साइज में आराम से आ जाएगी। फिर नीचे जाते जाते इसमें एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट होती है, ये एम्ब्रॉयडरी थ्रेड से की हुई है, प्लस जरी के वर्क से की हुई है, आपको दिख रही होगी। एंड ये जो कलर्स इसमें यूज किए गए हैं, ग्रीन है, पिंक है, वॉलेट कलर है, गोल्डन कलर से एम्ब्रॉयडरी की गई है, पूरी फ्लावर वाली एम्ब्रॉयडरी है पूरी। एंड नीचे की साइड आपको इस तरीके का बॉर्डर देखने को मिल जाएगा, और ये जो बॉर्डर है ना आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फुल एम्ब्रॉयडरी लहंगा है, प्लस लाइट वेट भी है। एंड अंदर की साइड आपको प्रॉपर सैटिन की लाइनिंग देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर इन्होंने बॉर्डर में कैनवास लगाया हुआ है, कैनकैन इसमें नहीं है, कैनवास दिया हुआ है। वैसे तो इस लहंगे का लुक काफ़ी अच्छा आएगा, फ्लेयर भी काफ़ी ठीक ठाक आ जाएगा, पर अगर आप और भी अच्छा फ्लेयर चाहते हैं तो डेफिनेटली इसमें एक बार कैनकैन अटैच करवा लेना, या फिर आप कैनकैन स्कर्ट के साथ कैरी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लुक देखने को मिल जाएगा आपको, फ्लेयर इस तरीके का देखने को मिलेगा। एंड फुल एम्ब्रॉयडर्ड लहंगा है, तो ये है लहंगा। अब इसका मैं आपको बताती हूँ ब्लाउज एंड दुपट्टा। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लाउज बताती हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा इन्होंने दिया है, ब्लाउज भी काफ़ी हैवी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ब्लाउज के लिए इन्होंने दो फैब्रिक दिए हुए हैं, ये बैक के लिए इन्होंने बिल्कुल प्लेन फैब्रिक दिया है बेज कलर में, वही सेम टैफेटा सिल्क का फैब्रिक। एंड फ्रंट के लिए इन्होंने इस तरीके का इसमें फैब्रिक दिया हुआ है, जो फ्रंट में और आपके स्लीव्स में आ जाएगा, ये फ्रंट का है, आप देख सकते हो फुल एम्ब्रॉयडरी है, ये स्लीव्स के लिए इन्होंने दिया हुआ है। तो अगर आप एक्सल डबल एक्सल साइज में भी हैं तो भी आपकी ब्लाउज आराम से आ जाएगा, इतना फैब्रिक इन्होंने दिया हुआ है कि आप कैसे भी इसे स्टिच करवा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसका दुपट्टा। दुपट्टा इन्होंने सेम बेज कलर में ही रखा है, पर नेट में आपको दुपट्टा देखने को मिल जाएगा। जो इन्होंने नेट यूज़ किया है ये है मोनो नेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, 2.25 मीटर का आपको एक पूरा दुपट्टा देखने को मिल जाएगा, और दुपट्टे में आपको चारों तरफ इस तरीके का बॉर्डर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है, ब्रॉड बॉर्डर है, एंड फुल पे एम्ब्रॉयडरी एंड जरी का काम किया गया है, और बीच बीच में आप देख सकते हो ना यहाँ पे फ्लावर्स लगाए हुए हैं, इसके ऊपर मोती लगाया हुआ है, तो पूरा 2.25 मीटर का आपको ये दुपट्टा मिलेगा। तो ये प्लस पॉइंट है कि आप इस दुपट्टे को कैसे भी स्टाइल कर सकते हो, क्योंकि छोटे दुपट्टे क्या है स्टाइल नहीं होते हैं, और लेडीज़ वगैरह में तो काफ़ी
तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन इनफ दुपट्टा है, आप इसे कैसे भी स्टाइल कर सकते हो। तो रीजनेबल प्राइस में एक अच्छा लहंगे का ऑप्शन है लाइट कलर में, क्योंकि समर्स में इस तरीके के कलर अच्छे लगते हैं। अगर आपकी इंगेजमेंट है या फिर आपको आपके घर में शादी है या फिर आपको कोई सी भी फंक्शन ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली ले सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन है। अब जो नेक्स्ट मेरे पिक्चर है यार, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी, आप इसे गाउन बोल सकते हो, कुर्ती बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, पर ये इसको पिक करने का रीज़न था कि इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। समर्स के अकॉर्डिंग ये परफेक्ट ड्रेस है ये वाली। तो इस तरीके की आपको ये वाली फुल लेंथ में कुर्ती देखने को मिल जाएगी। पहले आप इसका कलर देखो कितना प्यारा है, ये आपको ग्रीन कलर में देखने को मिलेगी। और ये जो इस पर काम किया गया है, मैं आपको एक बार पास से बताती हूँ, ये जो इस पर काम किया गया है पूरी प्रिंटेड है। एंड यहाँ पे आपको इस तरीके के बटन्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि हाँ एक सेकेंड, ये फंक्शनेबल नहीं है, ओनली शो के लिए इसमें बटन्स लगवाए हुए हैं। और यहाँ पे आपको इस तरीके का गोटे की डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी। तो इतनी अच्छी है कि आप इससे बिल्कुल कितनी भी बार वॉश कर लो, कितनी भी बार पहन लो, ख़राब नहीं होगा। प्लस इसका फैशन कभी आउट नहीं होता है और पूरी ये फ्लेयर कुर्ती है, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसमें आपको कलर ऑप्शन मीशो पर मिल जाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हो। सभी की मीशो प्राइस, रीसेलिंग प्राइस मैं साथ के साथ यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, तो आप देखते जाना। एंड इस तरीके की आपको ये वाली कुर्ती देखने को मिल जाएगी। इसका कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर पसंद आ रहा है आप ले सकते हो। मुझे ये कलर सबसे बेस्ट लग रहा था। एंड इसमें जो मैंने साइज़ पिक किया है वो है मीडियम, शायद इसमें स्मॉल नहीं था, लेकिन मीडियम साइज़ ही लेना, थोड़ा एक बड़ा लेना साइज़ अपने साइज से। हो सकता है वॉश करने के बाद थोड़ी सी श्रिंक हो जाए, क्योंकि ये कॉटन फैब्रिक में है। समर्स के अकॉर्डिंग इस तरीके की ड्रेसेस काफ़ी अच्छी लगती है, प्लस ये एक एलिगेंट ड्रेस है, तो आप इसे किसी भी फंक्शन में पहन सकते हो। एंड इसमें आप फ्लेयर देख सकते हो, इसका फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, फुल लुक साइड में क्लियर हो जाएगा। एंड नीचे की साइड भी आपको इस तरीके का बॉर्डर देखने को मिल जाएगा, गोटे की डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी। अब जो नेक्स्ट और लास्ट मैंने पिक की है वो है एक बहुत ही प्यारी सी नेकलेस, बहुत ही प्यारा सा नेकलेस। एंड इस तरीके की पैकेजिंग में देखने को मिलेगा। एक तो जब मैंने इसे मीशो पे देखा मुझे पसंद आया, लेकिन मैंने सोचा यार कितना ज़्यादा हैवी आएगा, ऐसा नहीं हो कि यार बहुत ज़्यादा हैवी हो, क्योंकि मैं ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं पहनती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे रैशेज हो जाते हैं। तो ऐसा चाहती थी मैं कुछ कि बिल्कुल अच्छा हो, दिखने में सुंदर हो, लेकिन लाइट वेट हो। तो यार मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये ऐसा आएगा। ये इस तरीके का नेकलेस है कि इतना लाइट वेट है कि आपको लगेगा नहीं आपने कुछ हाथ में उठा भी रखा है। तो इस तरीके का आपको ये नेकलेस देखने को मिल जाएगा। फुल लुक आप साइड में देख लेना, थ्री लेयर में ये वाला, सॉरी फोर लेयर में आपको ये वाला नेकलेस देखने को मिलेगा। एंड इस तरीके का कुछ नेकलेस है, यहाँ पे आप देख सकते हो ना बीट्स लगवाए हुए हैं, सिल्वर कलर की सिल्वर ज्वेलरी है। यहाँ पे आपको इस तरीके का ये देखने को मिल जाएगा, एडजस्टेबल है, जितना भी लॉन्ग पहनना चाहो, शॉर्ट पहनना चाहो, अपने अकॉर्डिंग पहन सकते हो। पहनने के बाद लुक काफ़ी अच्छा आता है, और इस तरीके की ज्वेलरी साड़ी के साथ चले जाती है, किसी भी कॉटन कुर्ती के साथ। सिल्वर ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कॉटन कुर्ती को अगर आपको स्टाइल करना है तो आप सिल्वर ज्वेलरी के साथ ही स्टाइल करो। और समर्स का टाइम है तो कुर्ती कुर्ता सेट किसी के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, ये लुक ही चेंज कर देगा। प्लस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। आपके वार्डरोब में इस तरीके की ज्वेलरी होनी चाहिए। सिल्वर ज्वेलरी काफ़ी होती है, लेकिन ये लेयर्ड वाली है ना, ये अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रही है, और आपके पास एक होनी भी चाहिए। और प्लस पॉइंट इसका ये है कि ये रीजनेबल प्राइस में है, अफोर्डेबल है। सेकेंड थिंग है कि लाइट वेट है, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा लगा। इसमें आपको ईयर रिंग्स वगैरह नहीं मिलेंगे, ऑनली नेक पीस मिलेगा। तो ये है जो लास्ट आइटम मैंने पिक किया है मीशो से आपकी डिमांड पे। तो गाइस आई होप आपको आज का ये मीशो हॉल पसंद आया होगा। अगर आपको हॉल अच्छा लगा हो और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और कुछ देखना चाहते हो मीशो से डेफिनेटली कॉमेंट कर सकते हो, और इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा आउटफिट कौन सा लगा कॉमेंट करके बताना। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।